इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जेदिया। ये शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी दावा कर रही है कि 2022 में भी 2017 की तरह चुनाव नतीजे दोहराएंगे। पार्टी ने इसके लिए पूरी तरह से कमर भी कस ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह सूबे की चुनावी नब्ज टटोलेंगे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दिया था तो अमित शाह अवध के इलाकों में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करेंगे। अमित शाह थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे और पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। यूपी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के दौरे को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सूबे में बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, राजनीतिक गठजोड़ और बहुजन समाज पार्टी के बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी है। किसान आंदोलन से लेकर लखीमपुर की घटना से बीजेपी के राजनीतिक समीकरण के बिगड़ने का खतरा भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यूपी फतेह के लिए बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान? क्या 2022 में सदस्यता अभियान से मिलेगी सत्ता? यूपी फतेह के लिए बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान? आज उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन 2022 में सदस्यता अभियान से शुरुआत से क्या सत्ता मिल सकती है? सियासी नब्ज की लेंगे था देंगे जीत का मंत्र अमित शाह पहुंच रहे हैं लखनऊ, तो 2 दिवसीय दौरे पर वो सीधे यूपी पहुंच रहे हैं और इस दौरान यूपी में वो तमाम 2022 को साधने की कोशिश यहां करेंगे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री लगातार दौरे के दौरान देखे गए यूपी में और इससे भी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव देखे जा रहे हैं और रिपीट करने के लिए सरकार को तमाम कोशिशें की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2,30,00,000 सदस्य हैं और भी सदस्य बढ़ाने की यहां रणनीति शुरू हो चुकी है। 2022 को साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहां करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सभी पार्टियां पूरी तरह से लग चुकी हैं किस तरह से 2022 को साधना है, किस तरह से 2022 को जीतना है, इसके लिए सभी सियासी पार्टियां पूरी पुरजोर कोशिश में लग चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2,30,00,000 सदस्य हैं, इनको और बढ़ाने का आंकड़ा लगातार प्रयास किया जा रहा है और यूपी फतेह के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो यूपी में अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है और कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि लगातार अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश के साथ वो 2022 में सपने संजोए हुए हैं। हालांकि ये देखना होगा कि जनता किसको पसंद करती है, जनता किसको अपना समर्थन देती है, यह 2022 क्लियर करेगा। लेकिन उससे पहले लगातार जो सरगर्मियां देखी जा रही हैं चुनाव से पहले वो यहां शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है और वोटरों को लुभाने की यहां पुरजोर कोशिश भी की जाएगी। अमित शाह अब यूपी पहुंच रहे हैं, गृहमंत्री का पहुंचना यह अपने आप में कई मायनों में खास हो सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री लगातार यूपी में आए हैं और इस तरह से वो 2022 को साधने की कोशिश करते हुए वो भी देखे गए हैं। लगातार अब जो पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अब सत्ता को हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं और अब वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरह से हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा, लगातार मुख्यमंत्री जो कोशिश कर रहे हैं 2022 को साधने की, अब एक महत्वपूर्ण दौरा गृहमंत्री का यानी अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और 2 दिवसीय ये अहम दौरा है, इस दौरान कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश इससे की जा सकती है? क्या वाकई 2022 को साधने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं? देखिए, अमित शाह को संगठन का मास्टर खिलाड़ी माना जाता है। याद होगा 2014 में जब उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था तो भारतीय तो
तकनीकी दिक्कत की वजह से रजनीश से हम ठीक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन प्रयास लगातार जारी रहेगा रजनीश से जुड़ने का। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं उसके कई मायने राजनीतिक गलियारों में निकल चुके हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले उनका ये काफी अहम दौरा हो सकता है। 22वें सदस्यता अभियान से सत्ता हासिल करने के लिए भी वो शायद यहां पहुंच रहे हों, सियासी नब्ज की था लेने के लिए भी वो उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, और पूरा समीक्षा की जा सकती है 2022 से पहले एक रणनीति बनाने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। कई मायने इसके लगातार निकाले जा रहे हैं। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश से जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर। रजनीश, जिस तरह से कई मायने निकाले जा रहे हैं, अब अमित शाह पहुंच रहे हैं, 22वें सदस्यता अभियान से क्या सत्ता हासिल हो जाएगी, क्योंकि सदस्यता अभियान भी शुरू करने आ रहे हैं अमित शाह। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी साथ सजने लगा है। अमित शाह का दौरा एक मैसेज देने के लिए है, क्योंकि अमित शाह को संगठन का पुराना और माहिर खिलाड़ी माना जाता है। 2014 में जब इनको प्रभारी उत्तर प्रदेश को बनाया गया था, तो ये कयास नहीं लगाया जा रहा था कि 80 में से 75 सीटें भाजपा के खाते में जाएगा। माना जा रहा है, जिस तरीके से जो टिकट कटने की बात हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो उनकी सबसे अहम बैठक 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी, जिसमें सारे प्रभारी, सह प्रभारी और वो लोग उस मीटिंग में मौजूद होंगे जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है 2022 का चुनाव जिताने की, वो लोग सारे लोग रहेंगे। जो कयास लगाया जा रहा है कि वो जी, तो बिल्कुल कई कयास लगाए जा रहे हैं, और लगातार जिस तरह से कोशिश हमने की हमारे संवाददाता ने वास्तविकता बताने की वहां से, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि अमित शाह वाकई 2022 को साधने की कोशिश यहां कर जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो 22 में सदस्यता अभियान से क्या वाकई सत्ता मिल जाएगी यूपी में? बीजेपी के कई करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर यहां बीजेपी के हैं। तो आपको बता दें, यूपी फतेह के लिए बीजेपी का क्या मास्टर प्लान है, और यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का ये खास दौरा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत वो यहां से करेंगे। यूपी में बीजेपी के, आपको बता दें, 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य पहले से ही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 करोड़ 30 लाख सदस्य बताए जा रहे हैं, और यूपी का ये गृहमंत्री अमित शाह का दौरा काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। 2022 से पहले इस तरह से उनका ये पहुंचना कई रणनीति को बताता है। और जिस तरह से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से लग चुकी हैं, वोटरों को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे। इसके पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव देखी जा रही हैं, और लगातार वो वोटरों को साधने की कोशिश यहां से करती हुई देखी जा रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा भी काफी अहम रहा है, प्रधानमंत्री भी वाराणसी पहुंचे थे, और वो भी लगातार जिस तरह से 2022 पर नजर बनाए हुए हैं, कोई भी कमी कोई नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से रण में उतर चुकी है, और सरकार को रिपीट करने की जो कोशिश है एक बार फिर यहां से शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये दौरा काफी अहम है। अमित शाह आज पहुंच रहे हैं लखनऊ, और बेहद अहम कार्यक्रम उनका होगा, और इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है वो काफी एक्टिव हमेशा से रही है, और उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो दोनों रणनीति बनाकर चुनाव को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वोटरों को अपने पक्ष में करने की उनके अंदर कला है। इस कला का एक बार फिर जादू आज दिखाई देगा, और इस जादू के तहत वो आज पहुंच रहे हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनता को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, और आपको बता दें सदस्यता अभियान की शुरुआत भी आज से करते हुए नजर आएंगे। तो कई कार्यक्रम आज होंगे, और उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं अमित शाह। अमित शाह का ये दौरा काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, 11:30 बजे पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। अब क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को भी संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 1:30 बजे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों को भी संबोधित करेंगे, और 3 बजे पार्टी कार्यालय पर प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह का बेहद विशेष कार्यक्रम। अमित शाह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। देश के गृहमंत्री अमित शाह 11 बजे
लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। 1:30 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी और पूर्व विधायकों से भी मुलाकात का कार्यक्रम, उन्हें भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 3:00 बजे पार्टी कार्यालय पर आपको बता दें प्रभारियों के साथ वो बातचीत करेंगे, उन्हें भी संबोधित करेंगे। अमित शाह 11:00 बजे सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रमेश ठाकुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर आपका। सुरेश चंद्र नेता हैं बीएसपी के, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। और प्रशांत उमराव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। तो शुरुआत हम मैं करूं, लेकिन उससे पहले बता दूं क्योंकि अमित शाह यूपी पहुंच रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं आज, और आज से कार्यक्रम की कई कार्यक्रमों की शुरुआत। तो लग रहा है कि यूपी में सभी पार्टियां पूरी तरह से 2022 को साधने में लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अब गृह मंत्री भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, लखनऊ पहुंच रहे हैं गृह मंत्री, कैसे देख रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश करेंगे? ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्या 2022 उनको भी सताने लगा है? अब देखिए, संगठनात्मक दौरा है और हमारे जो अमित शाह जी शीर्ष नेताओं में से एक हैं और शीर्ष नेता समय समय पर उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहते हैं। अमित शाह जी 2014 के चुनाव भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगभग हर महीने उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी उत्तर प्रदेश का दौरा करके गए हैं, तो अन्य राष्ट्रीय नेता आते रहते हैं। उसी क्रम में माननीय अमित शाह जी का दौरा हो रहा है और संगठन के कुशल शिल्पी हैं, संगठन के चालक के माने जाते हैं। इस दृश्य उनका दौरा हो रहा है और कई सारी विभिन्न बैठकों का वो संचालन करेंगे, बैठकों को लेंगे, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी शामिल होंगे और सदस्यता अभियान का शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी हमारे 3.5 करोड़ सदस्य हैं, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसलिए संगठन की दृश्य, चुनाव की दृश्य, नेताओं के दौरे लगते रहते हैं, इसमें कोई संशय वाली, संकोच वाली बात नहीं है। क्या इस सदस्यता अभियान से नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं 2022 की अमित शाह? देखिए, सदस्यता साल एक चलता रहता है, वो प्रक्रिया संगठनात्मक प्रक्रिया है और उसको लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव का समय है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इसको 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक की इसको सदस्यता उत्तर प्रदेश में लेकर के जाए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ हैं, समाजवादी के प्रवक्ता। अमित शाह अब उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, विजय रथ यात्रा पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा अमित शाह का ये दौरा सर? देखिए, जनता को पता है किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें पहले भी दौरे करने चाहिए। जब कानून व्यवस्था, जब लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चली और उनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने वो कार्य किया, तो उनको वहां जाना चाहिए था। ठीक है, वो उनका भाई भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, वो अपने क्या तैयारी करने आ रहे हैं ये उनका अपना अंदर का मसला है। रही बात उत्तर प्रदेश की जनता की, तो हमारे विजय रथ में उमड़ी जन सैलाब, और कल आपने आजमगढ़ में देखा होगा हमारा कार्यक्रम, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्वागत होता चला गया, जनता एकदम इस अराजक सरकार से तंग आ चुकी है। वो बदलाव की राजनीति चाहती है और समाजवादी पार्टी उसे एक बड़ा बदलाव देने जा रही है। समाजवादी पार्टी बड़ा बदलाव करेगी ऐसा आप मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं अमित शाह के दौरे के बाद सब कुछ खत्म हो जाए, जो जनाधार नजर आ रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला हैदर जी, किसी के आने से किसी का जनाधार नहीं खत्म हो जाता। हमारे वोटर, आप जितने भी इलेक्शन जोन आप देख रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। इस बार वो वोट परसेंटेज बढ़ने जा रहा और अब उसे सीटों में तब्दील करेंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी चल रही है, सारा मंथन चल रहा है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम बूथ लेवल पे बहुत मजबूत है। जनता का जो प्यार और जो वो मिल रहा है उसे कोई बदल नहीं पाएगा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। सुरेश चंद्र बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश चंद्र जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, उधर अगर समाजवादी की बात करें तो वो भी लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं और जन समर्थन हमें मिल रहा है, लेकिन बीएसपी कहां नजर आ रही है सर? अरे जनाब, एक ही बात है, अभी आपने देखा होगा 9 अक्टूबर को, इन सबकी मिलाकर के अगर मैं एक मुहावरा बोल दूं यहाँ का, भारत का, जी बोल दीजिए सर,
सौ सुनार की एक लोहार की, 9 तारीख को इस तरह का कार्यक्रम हमने कर दिया है कि सब चीखते चिल्लाते रहेंगे और चुनाव है तो आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, लोहार समझ रहे हैं सुनार समझ रहे हैं सर? अरे सर हम पूरा लोहार हैं और बिल्कुल ठीक ठीक इनका इलाज कर दिया है और हम उसी संदेश को लेकर के जा रहे हैं जनता में कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, बीएसपी का ये प्रोग्राम स्वच्छ प्रशासन का काम, तो हम लोग वो काम कर गया। फिर भी मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है कि मीडिया वाले लोग भाई अब है आखिरकार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का चुनाव है और राज्यों में भी चुनाव है तो ये अपने दाम दाम दंड भेद सारी तरह की वो तरकीबें लगाएंगे, कहां से खरीद फरोख्त होगी, कहां से किस तरीके से सरकार बनाई जाएगी, तो ये अपना जवाब लगाएंगे, सपा वाले अपने लगाएंगे और दूसरे राजनीतिक दल बसपा अपने लगाएगी, बसपा को भी कह दीजिए ना सर, बीएसपी भी अपने लगाएगी। अरे सर हमने तो 9 तारीख को उदाहरण पेश कर दिया है और फिर उसी तरीके से माननीय बहन जी के सारे कार्यक्रम तैयार हैं और वो है बिल्कुल लगेंगे, माननीय बहन जी इनको बिल्कुल चौपट कर देगी। हाँ सब बिल्कुल सर, 2022 बता देगा कौन किसको चौपट करेगा, सब सबके आंकड़े सामने आ जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सर, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर जी बता दीजिए, सभी पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और करती भी हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से लगातार अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा देखा जा रहा है, उससे पहले प्रियंका गांधी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही थी, अब चूंकि विजय रथ यात्रा भी लगातार एक्टिव देख रहे हैं आप, परिवर्तन यात्रा भी नजर आ रही है, बीएसपी का दावा कर ही रहे हैं वो कि हम चौपट कर देंगे सबको, आप देख रहे हैं क्या स्थिति नजर आ रही है सर? देखिए शाम को भी हम इंडिया न्यूज पे ही बात कर रहे थे इस मुद्दे को लेके, तो उस समय भी मैंने कहा था कि देखो जो लखीमपुर का मामला हुआ उसके बाद मुझे लग रहा था जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस समय जो चुनावों में ज्यादा दमखम दिखा रही, चाहे सपा हो गई, बसपा हो गई या कांग्रेस हो गई, वो कम से कम थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन बीजेपी थोड़ा वेट करती है, जब उनको लगता है किसी चीज पे या किसी मुद्दे को लेकर उनके पे डेंट पड़ जाता है तो उस समय वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो समय का इंतजार करती है, तो जैसे मामला थोड़ा ठंडा पड़ा उन्होंने चाणक्य नीति कहा जाता है, इसी को चाणक्य नीति कहा जाता है, वो अभ्यास इस समय कर रहे थे, अब दौरे पे आ जाते हैं जिसपे आप हम लोग बात कर रहे हैं। दौरा देखिएगा, दौरे के जो कोई भी बड़ा नेता जब जाता है किसी भी दौरे पे और टाइमिंग देखिएगा, टाइमिंग कहलाती है कि जब चुनावों की, तो मुझे लग रहा वो दौरे के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। अब दौरे में जो दिल्ली में जो हमें सूत्रों से जो पता चल रही है, जो हमारे सूत्र जो बताते हैं उसमें ये है कि लगभग 100-150 सिटिंग विधायक ऐसे हैं भाजपा के जिनपे एक रिपोर्ट तैयार होके दिल्ली में आई है अमित शाह जी के पास और नड्डा जी के पास, उसमें ये था कि ये विधायक ऐसे हैं जो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए थे, चाहे कोरोना काल हो जाए, चाहे किसी तरीके से, या किसी के ऊपर कोई आरोप है, संगीन आरोप है, तो उनकी 150 ऐसे लोगों की वोट सीट काटने की बात कही जाई, लेकिन भाजपा यहाँ पे एक सुचिता दिखाती है, भाजपा एक जल्दबाजी नहीं करती है किसी मुद्दे को लेके, उसी को लेके आज जो मीटिंग 3 बजे इनके लखनऊ में मुख्यालय में है भाजपा में, तो उसमें प्रभारियों को लेके, पूर्व अध्यक्षों को लेके, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को लेके, सारे नेताओं के साथ में अमित शाह जी मंथन करेंगे कि फला नाम पे जो आपत्ति लोगों ने बताई है आपकी राय क्या है, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। एक बार अगर किसी नेता ने किसी मुखालफत कर दी कि फले व्यक्ति का टिकट नहीं होना चाहिए और गट से उसका टिकट काट दिया जाए, जो हमने बसपा में देखा, जो दूसरी पार्टियों में देखा, ये भाजपा में नहीं है। भाजपा कम से कम मंथन करती है, एनालिसिस करती है, उसके व्यक्तित्व को देखती है, उसके बाद कोई फैसला लेती है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखो सबसे ज्यादा भाजपा को इस समय चाहिए पूर्वांचल का जो घेरा है उसको अच्छी तरीके से मजबूती देना। इस दौरे में पूर्वांचल का जितने भी पदाधिकारी से लेके जितने भी नेताओं सबको लखनऊ बुलाया गया है, लखनऊ पूछा जाएगा कि हमने जो पिछली बार 156 सीटें जो पूर्वांचल में आती हैं उसमें 106 सीटें हम लोग जीती थी, इसमें बढ़ोतरी होगी या घटौती होगी, तो वो पूरे तरीके से खाका बिठाने के लिए, समीकरण बिठाने के लिए ये इनका दौरा कहा जाता है। ये दो चीजें मेन है,
और तीसरा आप कह सकते हो जैसे 2-2.5 करोड़ की ये लोग अपना वोटर की बात करते हैं कि हमारा बूथ कैटर मजबूत हो चुका है, ये टारगेट मैं आपको बताऊं 14 करोड़ का रखा था भाजपा ने कि ये चुनाव जब तक आएगा हम 14 करोड़ रखेंगे। ये बात तब की है जनवरी फरवरी की जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, लेकिन कोरोना के बाद में ये चीजें पूरी नहीं हो पाई है, उसके बाद में नई चीजें चाहे लखीमपुर कांड हो गया, हाथरस कांड हो गया और ये गोरखपुर कांड हो गया, तो भाजपा उस समय मैंने कहा जल्दबाजी नहीं करती है, वो 14 करोड़ का इन्होंने आंकड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब एंड टाइम पे जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 2 महीने के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी शोरगुल शुरू हो गया है, तो मुझे लग रहा है इस 2-2.5 करोड़ को 5 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं कि 14 करोड़ का तो पॉसिबल है नहीं कि इस समय 14 करोड़ का हम लोग आंकड़ा दिखा के, अच्छा इसमें ये भी नहीं होगी कि आंकड़ों की बाजीगरी करके हम 14 करोड़ हमने कर दिया है और वो शो कर दे कि 14 करोड़ हमारे वोटर हमारे पास है, लोग हमारे साथ में, लेकिन इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। बसपा सपा जो भी पार्टियां वो कहेंगी कि इतनी जल्दी आपने इतना सदस्यता अभियान तेजी से कैसे कर लिया, तो मुझे लग रहा है ये 2.5 करोड़ का आंकड़ा 5 करोड़ तक लाने वाले हैं, वो मुझे लग रहा हो भी जाएगा, इसमें ज्यादा कोई नहीं है क्योंकि बूथ लेवल पे जो तैयारी भाजपा की चल रही है उसको देखते। लेकिन उसके उलट आप देखें, उसके पैरलर आप देखें काउंटर में समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाँ, बसपा की इस समय जो सक्रियता है भी सुरेश जी बता रहे थे, तो जितना वो उत्साहित है वो उत्साह मुझे लग रहा ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो जनता में दिखाई नहीं दे रहा इस समय। जो टक्कर जो मुझे मैं आप इंडिविजुअल अगर मैं इसे पूछना चाहूं तो सपा और भाजपा के बीच में होने वाले, बाकी राजनीति में आप जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, नित प्रतिदिन स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है, मुझे लग रहा आज जो दौरा है इसके बाद में भाजपा के लिए एक नई ऊर्जा नए संचार पे मुझे लग रहा है जनता में और जो पार्टी कार्यकर्ता उनमें एक जोश भरने, बिल्कुल एक बदलाव नजर आएगा इस दौरे के बाद, ये सही आप कह रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ लगातार अभिषेक राय हैं और लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार लगातार रमेश ठाकुर बता रहे थे कि जो डेंट पड़ जाता है लखीमपुर के बाद, जरूर फर्क पड़ा था भारतीय जनता पार्टी पर, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे फर्क भी पड़ता है सत्ता पे और पड़ा भी था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं डेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ही शांति के साथ उस पर बिना किसी रिएक्ट के अब अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं और इसका फर्क आप पर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। अभिषेक हैदर जी, मैं डॉक्टर रमेश की बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आज जनता त्रस्त है महंगाई से, आज जनता के थाली से रोटी गायब हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, 99 रुपए डीजल का दाम हो गया उत्तर प्रदेश में, वाराणसी की बात करूं, आजमगढ़ की बात करूं, तो आप ये देखो जनता की थाली से रोटी गायब हो रही है, जनता को इससे मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है कि भाई आजकल त्योहार है उत्तर प्रदेश में, शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली नहीं कटनी चाहिए, यूं अपने मुखबिंद से ये कह रहे हैं, जबकि सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, किसान 11 महीने से बैठे हुए हैं, साहब ये जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, रोजगार मिला नहीं, किसान वहां पे है बेकार बैठा हुआ है, आप ये बताओ डीएपी बढ़ गई, खाद के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, आय दुगनी करने आए थे और क्या कहते हैं लागत दुगनी कर दी, तो ये जनता के जुड़े मुद्दे साहब, ये किसी के आने जाने से नहीं बदलेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रशांत उमराव से जवाब ले लेते हैं, प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, महंगाई पे बात करेंगे, अभिषेक जी जवाब ले लेते हैं, आपके आरोपों का जवाब प्रशांत से ले लेते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रशांत जी जवाब दीजिए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई पर जवाब दीजिए। देखिए, इसको महंगाई को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कल भी कैबिनेट बैठक हुई है उत्तर प्रदेश की और पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोना काल में लगातार सरकार द्वारा जनता की सहायता की गई, चाहे राशन के मामले में हो या अन्य मामले में हो, आज उत्तर प्रदेश में 504 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, और हम महंगाई की बात करते हैं साथ में इनकम की बात नहीं करते। अगर हम 2014 से तुलना करें तो आज किसी व्यक्ति की आय कम से कम 2 गुना से 3 गुना बढ़ चुकी है। अभिषेक जी मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लेने दीजिए, लेकिन प्रशांत जी से जवाब लेने, महंगाई के साथ साथ इनकम की बात की जानी चाहिए। अभी गलत आंकड़े मत पेश करो, मैं प्रति व्यक्ति आय भी आपको भी बता दूंगा। प्रशांत जी, अभिषेक जी जवाब लेने दीजिए प्रशांत जी से, उसके बाद आप साबित कीजिएगा क्या झूठ है क्या सच है। अभिषेक राय जी मैं आऊंगा आपके पास,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं 2014 से लेकर 2021 में उनकी आय दो गुना से तीन गुना ना हुई ऑन एवरेज, और कर्मचारियों का भी हो गई होगी, गरीबों की नहीं, बेरोजगारी के आंकड़े भी बढ़े हैं सर, बेरोजगारी के आंकड़े भी बढ़ गए हैं, नौकरी कितनी दी है बता दीजिए सर, नौकरियां कितनी दी हैं बता दीजिए, ठीक है अभिषेक जी मैं जवाब ले रहा हूं आपका, प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, नौकरियां कितनी बढ़ी हैं बता दीजिए, बेरोजगारी कितनी घटी है वो भी बता दीजिए। 4.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी गई और 13 नौकरियां दी गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जब अपॉइंटमेंट होता है सीएम योगी आदित्यनाथ जी स्वयं रैंडमली एप्लीकेंट से बात करते हैं, तो पहले जो की सरकारों में जो चीजें होती थी वो चीजें बंद हो गई हैं, उनको फिर नौकरियां दी जा रही, देखिए देश की आबादी नौकरियां दी है सर, कोई भी सरकार आए कितनी नौकरियां दी है सर, सबको रोजगार नहीं दे सकती, प्रशांत जी कितनी नौकरियां दी, राजनीतिक बातें हम कर सकते हैं, प्रशांत जी कितनी नौकरियां दी है उत्तर प्रदेश में, 4.5 लाख नौकरियां दी गई, ठीक है 4.5 लाख नौकरियां दी है, ठीक है अभिषेक राय जी 4.5 लाख नौकरियां दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जी बता रहे हैं 2017 का इनका संकल्प पत्र था, प्लीज देख लें, 70 लाख रोजगार का वादा किया था, 4.25 लाख की होर्डिंग लगाई है इन लोगों ने, मैं ये और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो साहब आपको प्रचंड बहुमत दिया, 3.5 लाख आप अपना संकल्प पत्र पढ़ लो प्रशांत जी, मैं अभी अभी दिखा देता हूँ आपको अपना संकल्प पत्र, अगर आपको याद पेज नंबर वाइज बता दूंगा, आपने जनता से क्या वादे किए थे, 400 रुपए आपने गन्ना का मूल्य का बात किया था, अभी जब प्रेशर पड़ा है सब कुछ हुआ है तो 25 रुपए बढ़ा, पिछले 2.5 साल में कुछ नहीं बढ़ा, आप 2017 में 10 रुपए गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया था, वो तब भी 350 रुपए है, वो 400 नहीं हुआ, आपने 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए के चेक दिए हैं किसानों को किसान माफी के लिए, उनका माहौल बनाया आपने, जनता सब समझती है, आप मुझे मैं प्रशांत जी से पूछ रहा हूँ 5 ऐसे काम बता, अभिषेक राय जी फिर भी 2.5 करोड़ सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी बढ़ी है, जनता परेशान है, फिर भी सुन लीजिए पिछली बार जो वोट पोल अभी 5 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, अभी 5 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, कह रहे 5 करोड़ हो जाएंगे, अमित शाह आज इसलिए पहुंच भी गए हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्यों सर हैदर जी, अगर पसंद करते तो पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 नहीं होती, जहां बैलेट से चुनाव हुआ था, अगर इनके 2.5 करोड़ सदस्य थे तो क्या पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी कैसे नंबर 1 हुई, ये आंकड़ों का खेल नहीं साहब, जनता सब देखती है, ग्राउंड पे ये जीरो है, ग्राउंड पे इन्होंने कुछ काम नहीं है, इन्होंने कागजों में काम किया, आंकड़े पेश करने का काम किया, आप बताइए जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 निकली, सारे न्यूज चैनलों ने उसको देखा है, सारी जनता ने देखा है उसको, तो साहब हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम आंकड़ों में नहीं खेलेंगे, और जनता इनको 22वें जवाब देने, जनता 22वें जवाब देगी सर, आपका आपके दावों की पोल भी खुल जाएगी और इनकी वास्तविकता भी समझ में आ जाएगी, सबका समझ में आ जाएगा सर, जनता सब जानती है और वो जवाब देगी, ये 2022 में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं रहेगा, लगातार जो दावे किए जा रहे हैं आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसकी सच्चाई 2022 में समझ में आ जाएगी, किसके पक्ष में वोट पड़ेगा, समझ में आई है, बंगाल में शाह की और मोदी जी की और हमारे प्रचार जी मुख्यमंत्री जी की कई रैलियां हुई, समझ में आई है, एकदम समझ में आई, वैसे ही जो बंगाल में खेला हुआ था या खदेड़ा होगा, तो आप कह रहे हैं खदेड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे सर आप, ये कह रहे जनता करेगी, समाजवादी पार्टी उनकी मदद करेगी, आप सरकार बनाएंगे ना सर, आपको आप कह रहे हैं ना कि हम सरकार बनाएंगे खदेड़ा होगा, बिल्कुल हम कह रहे हैं हैदर जी, हम कह रहे हैं, इंडियन न्यूज पर कह रहे हैं सर आप जी, इंडियन न्यूज पर कह रहे हैं, ये जनता देख रही है सर, हम आ रहे हैं, हम जनता के साथ आ रहे हैं, जनता हमें पसंद कर रही है, जनता का जन सैलाब समर जो प्यार समर्थन में मिल रहा है उसके बल पे हम ये बात, भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, जो प्रधानमंत्री की रैलियां उसमें भी जनता कम नहीं है सर, वाराणसी में जो प्रियंका गांधी की सभा हुई है उसमें भी जनता कम नहीं है, आप ही के यहाँ जनता है, बाकी जगह जनता नहीं दिखाई दे रही है आपको, पंचायत चुनाव ने हैदर साहब जनता दिखाया है, मैं बोल रहा हूँ क्या आप जनता की बात नहीं करोगे, आज हम प्रमुख विपक्षी दल है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, हम इनसे पूछते हैं टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट ये क्यों नहीं जारी करते, करें ना टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी, क्यों नहीं ये कहते हैं, क्यों नहीं ये महंगाई पे बहस करना चाहते, बहस करें महंगाई पे, आज ये जब आचार संहिता लगने में 50 से 60 दिन है, 68 लाख
टैब बांटने की बात करते, साढ़े चार साल सो रहे थे क्या? क्यों नहीं भैया किया उन्होंने साढ़े चार साल? आज आप बताएं हमारा पास ठीक है? ठीक है अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी मैं आऊंगा आपके पास, सुरेश चंद्र जी से वरिष्ठ हमारे पास बीएसपी के जो सुरेश चंद्र नेता हैं उनसे कुछ जान लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश चंद्र जी मेरा आपसे सवाल है, बीजेपी और समाजवादी की टकरार है, आप तो फिर भी बाहर हैं ऐसा लगातार कहा जा रहा है। ना बिल्कुल नहीं, ये सबके सब घबरा ही बीएसपी से रहे। और बिल्कुल अभी जो चर्चा की, बंगाल में पूरी ताकत लगाई थी बीजेपी, क्या खर्च हुआ इनका? और इतना नहीं है, अब जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो इस बात को नहीं जानेगी कि चुनाव आयोग ने, भारतीय चुनाव आयोग ने बीएसपी को एक सर्टिफिकेट दिया कि हमारे जितने सांसद हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उन पर कोई भी दाग नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतलब आदेश कहें, रिजल्ट कहें, उस तरीके का है। तो जो पब्लिक है, आपका सांसद तो जेल में है, रेप केस में, क्या बात करते हैं? मोदी का सांसद पूछो रेप केस में जेल में आपसे, तो झूठ मत बोलिए चैनल से बैठ के, ज्यादा झूठे हमें नजर नहीं आते। मुझे ये भी बताइएगा कि टिकट देने में क्या बीजेपी के लोग नहीं भाग रहे? आपके कार्यकर्ता तो जमीनी स्तर पर नजर ही नहीं आ रहे बसपा के। कौन पता है? सुरेश चंद्र जी अभी आपको तो वो चार दिन का एक नेता आए हैं और उन्होंने सब साफ कर दिया, सारे जो आपके बैंक वोट हैं वो सारे उन्होंने एकत्रित कर लिए। इंडिया वाले लोगों ने ही तारीफ की कि भाई 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ वो बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक महाऐतिहासिक रैली थी। तो ऐसे किसने चाल की सर, किसने चाल की वो भी सर्टिफिकेट, किसने चाल की आपके साथ? और दूसरे रिपीट करिए सर, क्या क्या कहा है अभी आपने, किसने चाल की दोबारा बोलिए तो, किसने चाल की आपके साथ? आपने कहा अभी कि हमारे साथ चाल की गई, दिखाया नहीं गया, किसने चाल की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है मीडिया वाले साथी वही लोग आप हैं, सारे लोग वही है मीडिया वाले लोग जिन्होंने तारीफ की, ठीक है, तारीफ की कि भाई महाऐतिहासिक रैली हुई है बसपा की और यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मैं भी जुड़ा रहा हूँ आपके साथ इंडिया न्यूज पर, मैंने भी उस चीज को सीधा बार। प्रशांत उमराव जी आपको जितना आसान लग रहा है 2022 कि सरकार है वापस रिपीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है सर, बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भी नजर आ रही है, कांग्रेस भी नजर आ रही है और बसपा का भी आप दावे देख रहे हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, क्या सदस्यता अभियान से पार लगा पाएंगे आप? देखिए सदस्यता अभियान एक पार्ट है हमारे संगठन का और हमने लगातार काम किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किसानों के बारे में करे, हमने 32,500 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे दिया है, गन्ना किसानों को 45 लाख, किसानों को 1.5 लाख करोड़ गन्ना किसानों को दिया गया है, किसानों को 3,92,000 करोड़ का ऋण का भुगतान किया गया, लगातार हम किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। और हम तो तथ्यों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसी ऋण की बात कर रहा था, मैं उसी ऋण की बात कर रहा था, 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए का चेक मिला है और वो मीडिया चैनलों पे है 36,000 करोड़ का ऋण दिया गया है। प्रशांत जी को जवाब देने दीजिए, अभिषेक जी जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। अभिषेक जी पहले प्रशांत जी को बोलने दीजिए, प्रशांत जी को जवाब देने दीजिए सर, जनता देख रही है, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। प्रशांत जी 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया और किसान सम्मान निधि में इतना बड़ा अमाउंट दिया गया किसानों को 32,500 करोड़ का और बहुत सारी योजनाएं चली सर, प्रशांत जी मेरा आपसे सवाल है क्या लखीमपुर घटना को आप डेंट नहीं मानते अपनी सरकार में? ऐसी जो घटना हुई है उस हादसे से कहीं फर्क नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए लखीमपुर की जो घटना थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसका हमें बहुत अफसोस है, स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें त्वरित एक्शन लिया, सारे आरोपी गिरफ्तार किए गए और जिन लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की लिंचिंग की उनमें से भी 2 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके, बाकी लोगों की पहचान की गई, बाकी लोग भी गिरफ्तार होंगे। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन, चाहे इस तरफ के लोग गलती कर रहे हो दूसरी तरफ की गलती कर रहे हो, जो भी कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया उनकी उनकी जो सजा है जेल के पीछे होगी। क्या वो किसान थे? वो किसान थे, वो गए किस लिए थे? पूरा गुंडागर्दी करने के लिए गए थे वो लोग।
जिन लोगों ने भी गलती की उनकी सजा कोर्ट देगी, सुरेश चंद्री यार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, सजा देगी सर, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन सुरेश चंद्री लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो गए क्यों थे वहां? गुंडागर्दी तो उन्हीं की हुई ना सर, और अभी तक आपके अपने मंत्री को हटाया भी नहीं गया, क्या उनके रुबाब के आगे ये जो जांच है वो हल्की नहीं पड़ जाएगी सर? देखिए मंत्री का उसमें कोई रोल नहीं है, ना तो मंत्री के अगेंस्ट किसी किसान ने कंप्लेंट किया ना एफआईआर। बेटा तो है ना सर, बेटे को अलग मानते हैं, बेटे को परिवार से अलग मानते हैं, बेटे को परिवार से अलग मानते हैं मंत्री का, एफआईआर कराते हैं। आशीष मिश्रा के अगेंस्ट एफआईआर थे, आशीष मिश्रा जेल के अंदर है, मंत्री के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है? देश देखिए कानून संघर्ष से चलता है, फालतू की बातें बतौलेबाजी से नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि मंत्री गलती, कोर्ट में जाइए, कोर्ट बोलिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला मंत्री के लिए, तो आपके कहने से थोड़ा मंत्री को हटा देंगे, ठीक है। अरे किसी को आपके कहने से फांसी थोड़ा लटका देंगे, जब कोर्ट सजा देगा कोर्ट देखेगा, आरोपी जेल में है, कोर्ट को लगेगा आरोपी वो अपराधी, उनको सजा मिलेगी। आप किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे परिवार को सजा थोड़ा देंगे क्या? बेटे ने गलती की है तो बाप को भी फांसी पे लटका देंगे क्या? ये कोई सरिया कानून थोड़ा चल रहा है देश में? संविधान से चलेगा देश? बाप जांच में, जांच प्रभावित होगी बाप के, उससे जांच प्रभावित का जो लगातार सवाल आ रहा है प्रशांत जी, जांच प्रभावित का जो सवाल आ रहा है उस पर यह सवाल था मेरा, जांच प्रभावित का जो लगातार सवाल उठ रहा है विपक्षी दलों की तरफ से उस पर यह सवाल किया था मैंने। कोई जांच प्रभावित नहीं हो रहा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की जांच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सबको विश्वास है, कोर्ट पर सबको विश्वास है, सभी फैसले तभी माने गए, भारत के सारे फैसलों में कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया सर। न्यायालय सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा, आज भी कोर्ट पर ही विश्वास है सर, सरकारों पर किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन कोर्ट पर सबको विश्वास है। कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा सर, सिर्फ सत्ता पर सर, कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, न्यायालय सर्वोच्च है, न्यायालय पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई विपक्षी दल सवाल नहीं उठा रहा, सिर्फ ये कहा गया था, विश्वास है सबको सर, सबको विश्वास, कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ना उठाएगा और कभी नहीं उठाएगा सर, क्योंकि जुडिशरी जो हमारी है वो सबसे अलग है और वो सबसे अलग रहेगी हमेशा। ठीक है अभिषेक राय जी, जवाब दीजिए अभिषेक राय जी। हैदर जी, मैं बोलना चाहता हूँ, अभी प्रशांत भाई कह रहे थे कोर्ट की निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठाता, आपको भी बधाई देता हूँ, आपने सवाल पूछा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा क्या उत्तर प्रदेश में हर मुलजिम, बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ सुनिएगा, क्या हर मुलजिम 302 के घर पे बैठे रहते हैं और यही VIP ट्रीटमेंट मिलता है? अभिषेक राय जी बहुत बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है, चर्चा को समाप्त करना होगा, इसलिए जल्दी जवाब दीजिए। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं रमेश ठाकुर, उनसे भी मुझे कमेंट लेना है फाइनल जी, जल्दी हैदर जी, बहुत जल्दी, अभी पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी वो पढ़ के बता रहा हूँ, देयर इज टोटल द हायर द नेशनल कैपिटल एवरेज इज 95,000, उत्तर प्रदेश रिकॉर्डिंग 44,000 पर एनम, गोवा विद अ मैक्सिमम ऑफ 3.04 लाख जी, उत्तराखंड विद सेकंड 1.5 लाख, पंजाब विद थर्ड 1.19 लाख, ठीक है। तो साहब आपने उत्तर प्रदेश ने आपको प्रचंड बहुमत दिया और पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे थे से, ठीक है अभिषेक राय जी, जल्दी जल्दी से जवाब लेने दीजिए, प्रशांत जी जल्दी से जवाब दे दीजिए अभिषेक राय जी की बात का, जवाब जल्दी से दे दीजिए। प्राकृतिक महामारी से पूरा विश्व पीड़ित रहा है, किसी एक सरकार की एक देश की समस्या नहीं है, किसी प्रदेश की गलती है, निश्चित काम धंधो पे असर पड़ा है, इस चीज को अभिषेक राय जी जवाब लेने दीजिए सर, उत्तर प्रदेश ने समय नहीं है सर, कोरोना को मैनेज किया, आज उत्तर प्रदेश में देश से सबसे कम केस है, 24 करोड़ की आबादी होने के बाद हमारे 200 केस, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है अभिषेक राय जी, ठीक है सर। रमेश ठाकुर जी पूरी चर्चा को कैसे देखते हैं और किस तरह ये चर्चा हमारी बड़ी है और कैसे देख रहे हैं पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को? देखिए मुझे लग रहा है चर्चा जिस मुद्दे पे हो रही थी उस पे सारे साथियों ने बिल्कुल ड्रेल कर दी, एक इधर उधर भटका दिया। चर्चा इस बात की थी अमित शाह जा रहे हैं, वो दौरा है, वो किन बिंदुओं पे होने वाला, किन चीजों पे इन पे होना चाहिए। मुझे लग रहा है
जिस तरीके से ये विपक्ष के लोग डिबेट को इधर उधर भटका रहे हैं, वैसे ही उनके दौरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दौरे का मकसद नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है जितने भी विपक्षी दल हैं, सपा के भाई बैठे हुए हैं, बीएसपी के भाई बैठे हुए हैं, तो इस दौरे को इनको सिर्फ जोड़ना चाहिए था। रमेश ठाकुर जी, थोड़ा जल्दी जल्दी सर, समय का बहुत अभाव। जितने बड़े नेता आ रहे हैं वो लखनऊ क्यों आ रहे हैं, वो पूर्वांचल को क्यों घेरा डाल रहे हैं, ये पश्चिमी समझने की बात जा रहे हैं। बिल्कुल, ये चीजें ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये वहां पे क्या है। अब देखो, किसानी के मुद्दे को लेके जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, 1900 के करीब मुझे लग रहा धान का रेट दिया हुआ, लेकिन सच्चाई ये है बिक क्या रहा है। मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, मेरे जिले में 1200-1300-1400 में बिक रहा है, ये मुद्दा होना चाहिए, ये लेकिन मुद्दे को नहीं पकड़ पा रहे। अभी डॉक्टर राय कह रहे थे मेरे बातों से सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं हो गए आप। सहमत इसलिए नहीं हो गए क्योंकि आप लोग भाई मुद्दे को नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर आप सिर्फ मुद्दे को लेके चले कि 2017 में डीजल और पेट्रोल का भाव क्या था, अगर आप वहां से तुलनात्मक आप देखो 62% ईंधन के दामों में वृद्धि हो चुकी, बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, और आप जनता में चले को अगर समझे और जनता को समझाएं तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल को फायदा हो सकता है। बहुत सही बात रमेश ठाकुर आप कह रहे हैं यहाँ, लेकिन लेकिन उन चीजों को समझ नहीं पा रहे। ये चीजें आप डिबेट से निकल के, कमरों से निकल के धरातल पे जाओ, आप लोगों को बताओ एक ही मुद्दा। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ एक ही मसला पकड़ लो कि देखो किसान, देखो उत्तर प्रदेश का जो अगर आज भी देखा जाए तो अधिकतर जनसंख्या जो किसानी से जुड़ी हुई है, और किसानों को क्या चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ठीक है, रमेश ठाकुर जी, हमारे पास समय का अभाव है, मुझे चर्चा को यही समाप्त करना होगा, तो मुद्दों पर हम बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि दुखद है कि चर्चा को भटकाया जाता है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, और फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।